यस सर यस सर। हाँ बेटा लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे सर? लास्ट मैथ्स क्लास में वो आपने होमवर्क दिया था सर। मैथ्स वाले में क्या? हाँ फर्स्ट चैप्टर पूरा होमवर्क था और ट्रिग्नोमेट्री का 3.3 तब पूरा होमवर्क था। तो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस हो गया ना एनसीईआरटी वाला? नहीं सर नहीं हुआ डिस्कस। नो सर नो सर डिस्कस उसकी दो एक्सरसाइज हुई है बस। कौन सा बैच है? एपी ए, अच्छा एपी थ्री है। ओ अच्छा 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 ठीक ठीक है। आप लोगों को लास्ट क्लास में एग्जैक्टली क्या पढ़ा रहा था मैथ्स में ये बताओगे मुझे? एग्जैक्टली मैं पढ़ा क्या रहा था मैथ्स? इंटरवल्स और रियल एक्सिस। हाँ वही तो। राइट राइट राइट। और इंटरवल्स ऑन रियल एक्सिस में आपको वो सब बताया था मैंने राइट, कि एक्स बिलोंग्स टू ए से बी का मतलब क्या है और कॉमन है ना। और वो वेन डायग्राम दिखा दिया मैंने, ए यूनियन बी यूनियन सी वगैरह सब। और हमने क्वेश्चंस किए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के वेन डायग्राम के, कि 70 लोग हैं 60 लोग हैं तो हाँ भाई वो भी किया है कि नहीं किया है? यस यस सर। हाँ सर किया। ठीक है ठीक है ठीक है समझा। और एलिमेंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना दिखाया था? नहीं सर नहीं दिखाया। ठीक है हाँ समझ गया। ठीक है चलो मैं 1.6 तक डिस्कस करूंगा अभी फिलहाल आज के लिए। बोलो अच्छा। और ट्रिग्नोमेट्री में 3.3 3 तक डिस्कस हो गया है? नहीं सर हो गया बाकी। हाँ समझ गया मैं कंफ्यूज हुआ। ठीक है अच्छा चैप्टर 1 बोलो तो। चैप्टर 1 1.1 1.2 सर 1.3 और 1.1 2 का हो गया है। हां ठीक है कोई अगर नहीं स्टार्ट करना। हां अरे हां बेटा 1.3 सर क्वेश्चन नंबर 7 का 4 सेवेंथ का फोर्थ। राइट द इंटरवल इन द स्टेट बिल्डर फॉर्म। क्या दिक्कत है? वो क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में कौन सी इशू है? नहीं आप लिख दो a इज इक्वल्स टू x वेयर x बिलोंग्स टू माइनस 23 से 5 बस हो गया। x बिलोंग्स टू रियल। नेक्स्ट बोलो सर। 8 हम बताओ यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ राइट ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। यस ठीक है और बोलो। जो पहला वाला है वो सबसेट नहीं है ना? सारा सर्कल एक सेट जो है सारा सर्कल है। एक सेट जो है सर्कल ऑफ रेडियस वन है तो कौन किसका सबसेट है? जो वन रेडियस वाला सर्कल है जो वन रेडियस वाला सर्कल्स हैं वो सर्कल्स के सबसेट है ना बेटा? यस सर। नेक्स्ट बोलो सर। फिफ्थ वाली नहीं फोर्थ वाली एक्सरसाइज का 11 1.4 का सर 11 11th वाला। इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देन व्हाट इज द r माइनस q? इरैशनल नंबर। रियल में से रियल में से रैशनल हटा दोगे तो क्या बचेगा? इरैशनल। इरैशनल और बोलो रैशनल नंबर। और बताओ सर डिसजॉइंट सेट बताओ ना। उस दिन ग्रुप पर लिख के तो भेजे थे।
सारा कंफ्यूज हो गया बस एक बार बस सर क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.5 टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ ए और बी में आपका फाई है ए इंटरसेक्शन बी इज फाई ओके सर मतलब वेन डायग्रामेटिकली व्हाट डू वी एक्सपेक्ट हियर इज लाइक दिस सिस्टम दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन ए एंड बी ओके ओके सर नेक्स्ट बोलो सर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 7 1.5 का क्वेश्चन नंबर 7 7 क्या हो गया तो मतलब वो फॉर्म कैसे करना समझ में नहीं आ रहा अरे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा यूनिवर्सल सेट होगा फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या होगा फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है एस नहीं रे फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है एस एस इंटरसेक्शन ए ए हेलो नहीं सर उसका नेटवर्क नहीं सर ठीक है सर आपके इधर से कोई नहीं प्रॉब्लम ठीक है मैं नीचे हमने थर्ड में आते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फाई होगा और यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या होगा फाई होगा अरे भाई यू कॉम्प्लीमेंट कितना होता है फाई ना फाई का एक yes, इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा फाई है नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट बोलो 1.6 एक्सरसाइज 1.5 का थर्ड का 8th वन एक्सरसाइज 1.5 के थर्ड का 8th वन बाप रे क्या हो गया थर्ड की 8th में हाँ बोलो x प्लस 5 इक्वल टू 8 का कॉम्प्लीमेंट लिखना है ना तो 8th वाले में आपका आंसर कितना आएगा x इक्वल टू 3 आएगा इसे कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे आप रियल माइनस 3 अच्छा नेचुरल नंबर लेना यूनिवर्सल सेट सॉरी तो नेचुरल माइनस 3 समझे हेलो क्लियर है क्या हाँ सर क्या जो डाउट पूछते हैं ना वो लोग चुप मत हुआ करो नहीं आता है वापस पूछो ना एट वाला क्लियर है मैं आधा टाइम इसी में चला जा रहा है मेरा एपी 3 एपी 4 में तो इसी बात में ही आप लोग पूछते नहीं ढंग से चलो ठीक आगे बोलो 1.6 बोलिए सर क्वेश्चन नंबर 7 मोटर पे बहुत ज्यादा लाइट आ रही है हां क्वेश्चन नंबर सर 7 तो क्वेश्चन ठीक है तो सेवेंथ वाले क्वेश्चन में इन ग्रुप ऑफ 65 पीपल बोलो क्या दिक्कत है इसमें सर वेन डायग्राम नहीं भाई ये क्रिकेट है ये टेनिस है 10 यहां पर है क्रिकेट 40 है तो यहां पे 30 आ गया और 65 पीपल है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट और पूरा 65 था -40 पूरा 65 है ना इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल तो आपका कितना आ जाएगा फिर बताओ 65 माइनस 40 करोगे 35 है ना यस सर 25 यस सर आगे पूछा है आगे एक और पूछा हाउ मेनी लाइक टेनिस उसमें दोनों आ जाएंगे ना 35 माइनस 10 उसने एक्चुअली ये नहीं बताया है तो देखो ना 65 दिया है ना
आपका 30 यहां आ गया, 25 यहां आ गया, ओके okay. अभी 10 प्लस 25 आपका टेनिस में आ जाएगा ना, ये क्लियर है क्या? यस सर। हां मिस बोलो। यस सर। ठीक है 1.6 हो गया। हां सर। यस सर। मैंने 1.6 तक ही दिया था कि पूरा चैप्टर ऑन दे दिया था। 3.1 तो खुद से करना है, कर लो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अरे यार 3.1 खुद से कर लो भाई, 3.1 में क्या दिक्कत है, लो देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius. अरे यार, यार एंगल निकालना है तुमको, इसका तुमको दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस 100 दिया हुआ है, ठीक है, और तुमको एंगल निकालना है एक आर्क का, और लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है ना बेटा, ठीक है, तो एंगल क्या होता है, भूल गए हो, 3 क्या होता है बोलो, 2πr/360 इनटू थीटा, ये मैंने क्या किया, क्या है ये, हाँ ये आपका 22 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, बात समझ में आती है क्या? यस सर। हाँ सर। आपका थीटा निकल जाएगा ना यहाँ से, बोलो। अरे क्लियर है। नेक्स्ट बोलो। 3.1 3.2 आ जाओ काम के साइज पर भाई, होमवर्क था ना स्टेट बोर्ड का, वो 3.2 बोलो। हाँ सर, 3.2 बोलो। आ गया सर, डाउट नहीं। सर 3.3 में फिफ्थ से लेकर आगे सारे के सारे डाउट है। क्या चीज, 3.3 किसमें? 3.3 का बोल रहा है सर, 3.3 का सिक्स से लेकर आगे सारे के सारे डाउट, आगे सारे डाउट हैं, बहुत सारे सॉल्व तो किए थे। अच्छा? क्या नाम है तुम्हारा, डाउट इतने सारे, नाम बताओ। सर विभव। विभव तुम तो ग्रुप पे डिस्कस तो कर रहे थे ना? नहीं सर। क्यों नहीं ग्रुप पे डिस्कस कर रहे थे? और जो मैंने एसएल लोनी वाला पेज जो 29 क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो दूसरी बार सॉल्व किया कि नहीं किया, मैंने सॉल्व करने के बाद वापस से एक बार? हाँ सर वो सब किया, उसके बावजूद नहीं हो रहा एनसीईआरटी का? नो सर, 10 तक तो नहीं हो रहा है। 3.2 हुआ है कि 3.2 भी नहीं हुआ है सर? 3.2 3.1 वो सब हो गया। चलो बताओ 3.3 में कहां तक दिया था मैंने करने को? सर पहले आपने 1 से 10 तक बोला था, फिर बाद में बोला पूरा करके आओ आप। चलो बोलो 3.3 डॉट बोलो। चलो भाई इतना खराब थोड़ा पढ़ाता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अच्छा पढ़ाते हैं सर। शॉकिंग है, मतलब इतना थोड़ा होता है कि आपने कुछ, आपने एक फॉर्मूला लगाया नहीं, आपने बस छोड़ दिया कि हमको नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो बैठे रहो, नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, है थोड़ा ना होता है। चलो बोलो 3.3 डॉट बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 सर, 1 आया, सेकंड है, सेकंड आउट है। अरे यार भाई देख यार, ऐसा है ना, ऑलरेडी मतलब जेपी सारी घटना के बाद मूड वैसे ही खराब रह रहा है, आप लोग अगर आधा अधूरा बोलोगे ना तो दिमाग ना खराब हो, सीधी मैं डांट दूंगा बहुत तेज। आप डाउट है सीधा पूछो, सेकंड में आधा बोल, सेकंड है।
साइन स्क्वायर सेकंड में किस स्टेप में डाउट है बताओ, कौन सा पार्ट डाउट आ रहा है सर? फर्स्ट LHS जो सॉल्व करते हैं ना तब मुझे आंसर ही 5/2 आ रहा है, 6/6 नहीं आ रहा है, मतलब 6 कहां से आना, कहां 6 क्यों आना, आंसर 3/2 दिया हुआ है ना, सॉरी सर, हां 3/2 साइन पाई बाय 6 कितना होता है सर? 1/2 आ रहा है, हां 1/2 द होल स्क्वायर और 2 प्लस प्लस 1/4 रुक जा रे, कोसेक 7 पाई बाय कोसेक 7 पाई बाय 6 कितना होता है? वन बाय साइन 7 पाई बाय 6 ना, हाँ सर, वन वन बाय साइन 7 पाई बाय 6, साइन 7 पाई बाय 6 कितना होगा बताओ? साइन 7 पाई बाय 6 कितना होगा बोलो? 210 डिग्री रुक जा रे, साइन तुमने जिस दो डाउट जो डिस्कस कर रहा है मुझसे वो 3.2 में डाउट नहीं था उसको, साइन 7 पाई बाय 6 कितना होगा, ब्रेक करना नहीं आता है? हाँ सर आता है, बता ना बेटा कितना होगा, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 ना, पाई बाय 6 ना, साइन पाई प्लस पाई बाय 6 कितना होगा बेटा, माइनस साइन पाई बाय 6, हाँ सर ठीक है, कितना आ गया वैल्यू, माइनस 1/2 आ गया ना वैल्यू, हाँ सर, तो कोसेक 7 पाई बाय 6 का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर आ गया सर, वो माइनस 1/2 नहीं लिया था, चलो ठीक है नेक्स्ट बोलो, थर्ड नो सर, फोर्थ नो सर, फिफ्थ, तुम रुक जाओ शुभ, इसको डाउट है सो बोलने दे यार, फिफ्थ नहीं है सर, सिक्स्थ, हाँ सर सिक्स्थ, सिक्स्थ सिक्स जिसको डाउट है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन आपको एक सेम क्वेश्चन कराया था ऐसा, हाँ सर, इसमें पाई बाय 4 माइनस x को a पकड़ आइडेंटिटी कौन सा अप्लाई करना वही करने वाला, आप पहले चीजों को ऑब्जर्व तो करो, आप जो आप लोग जानते हो गलती क्या किए हो, बहुत लोग आप लोग जो मैं नोट्स भेजता हूँ ना, मैं लैपटॉप के स्क्रीन पर लिख के पढ़ाता हूँ ना फेस दिखाते हुए, मेरा हाथ में कंटिन्यूस वर्टिकल रहता है, मैं जानबूझ के स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूँ आपको लैपटॉप पे, ताकि आप लोग नोट्स अगर ढंग से कॉपी नहीं करो तो भी आपका काम हो जाए, ऐसा क्वेश्चन मैं कराया था, ये देखना ऑब्जर्व करो ना इसको, ऑब्जर्व करो इसको, ए, इसको भी, हाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन, कॉस ए कॉस बी, कॉस बी, अगर इसको ए लिखा इसको बी लिखा तो ये भी ए लिखा है माइनस साइन ए, ये बात समझ में आती है, ये क्या होता है बताओ, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, अब ए और बी का वैल्यू डालना है, माइनस एक्स प्लस थीटा बाय 4 माइनस वाई, क्या बेटा समझे? ठीक है नेक्स्ट कॉपी करो, नेक्स्ट मैं सॉल्व सारे कर दूंगा, बट मुझे थोड़ा अजीब लगा है वो, किसी के बाद एक भी नहीं हुआ है वो, थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि जो जो वो तो 29 क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट 2-3 बार हो गए ना मेरे ग्रुप पे डिस्कस किया बहुत लोगों ने, फिर जब आप लोग क्लास में पूछ रहे थे मैं एक भी क्वेश्चन मना थोड़ा ना किया था नहीं सॉल्व करूंगा, आपने जो भी बोला था आई थिंक लाइन से वो 6 क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछे 14-18 मैंने सारे क्वेश्चन सेम सॉल्व किए थे, यस सर, वो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब उसके बाद ये होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं ठीक है, रब करे, यस सर, यस सर, हाँ चलो नेक्स्ट बोलो, लास्ट क्वेश्चन 7th, 7th करना है, No, sir, 11th में नहीं, एक बच्चा बोला था ना 6th के बाद एक भी नहीं हुआ है, वो बच्चा बोलो भाई,
सेवेंथ करें, गलत है यार, दिस इज वेरी रॉन्ग ऑन योर पार्ट। आप लोग बोल देते हो फिर एज अ फैकल्टी में फंस जाता हूं, आपने बोला है तो सॉल्व करना पड़ेगा, बट आपको रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना बेटा। जिसने बोला था सिक्स के बाद एक भी नहीं हुआ, बोलू ना बेटा? यस सर। ये कैसे आपने अटेम्प्ट किया? जिसने जिसका नहीं हुआ था मुझसे डिस्कस करो, मैं सिखा दूंगा आधे घंटे के अंदर में, कोई बड़ी बात नहीं। बोलो कैसे करें, टेन ऑफ ए प्लस सर, का अभी मैं वो ट्राई कर रहा था, अभी आपने वो सिक्स क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था ना, फिर उसी तरह से मैं ये सॉल्व करने के लिए देख। नहीं वैसे क्यों होगा, टेन ए प्लस बी क्या होता है बताओ, टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा बोलो, टेन ए प्लस टेन बी सुबह, टेन ए प्लस बी क्या होता है बेटा, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए। तुमको फॉर्मूला नहीं याद है ना, दिक्कत ये तो इसे तुमको फील नहीं आ रही है क्वेश्चंस की, टेन ए माइनस टेन बी भाई बोलो वन माइनस वन प्लस प्लस होगा सर, यस सर बोलो क्या आ रहा है, वन प्लस टेन एक्स, यस सर वन माइनस टेन एक्स बाई वन माइनस टेन एक्स, समझे बालक? तो अभी क्या होता है रेशियो प्रोपोर्शन में, ए बाई बी बाई सी बाई डी क्या होता है मालूम है ना, ए बाई बी इंटू डी बाई सी है ना, डी बाई क्या हो जाएगा बोलो, वन प्लस टेन एक्स तो ऊपर चला जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन हो गया सेवेंथ क्वेश्चन। यस सर, कॉपी करो, इसका नहीं हुआ था ना ईमानदारी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है आप सारे सॉल्व कर दूंगा मैं, आप बस पूछो और समझो। क्वेश्चन नंबर नाइन सेवेंथ कॉपी कर लिए? हाँ सर। चलो बोलो सेवेंथ के बाद जिसका डाउट था वो शर्मा मत बोलो, कोई बात नहीं बोल दिया बोल दिया, एट्थ करना है बोल सर, नाइन नहीं नहीं नाइन ठीक है नाइन्थ कर दो, जिसने डाउट पूछा था सिक्स के बाद सारे उसको एट्थ करना है तो बोलो मैं करूंगा। बोलना तो होगा ना यार, इतना तो एटलीस्ट बनता है ना, ये थोड़ा ना मतलब आप बाजार में थोड़ी ना आए हो कि आप एक शब्द बोल के गायब हो जाओगे, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, दिस इज ये बदतमीजी है यार, ये गलत है, ये थोड़ा चलता है आप कुछ भी बोल दोगे क्लास में गायब हो जाओगे, मत पूछो मैं क्यों बताऊंगा, भेजो पूछना पड़ेगा ना, आप अगर सीखना चाहते हो आप डिस्कस करो, ये चुप क्या हो जाते हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। नाइन्थ वाला कॉस ऑफ 3π/2 प्लस एक्स कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स, ठीक है
cot of 3 pi by 2 minus x, ठीक है, ये पूरा उसी पे बेस्ड है, ऑल साइन टेन कॉस के ओपनिंग पे है ना। हाँ सर। चलो तो पहले आते हैं, ये बताओ कहाँ क्या होगा, cot cos 3 pi by 2 है ना, pi by 2 का ऑड मल्टीपल है ना, तो क्या बन जाएगा साइन x, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ है, फोर्थ होगा सर। अरे यार क्लास में कोई है नहीं लग रहा है। cos 2 pi plus x बताओ क्या होगा, पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल, पढ़ाया है ना सब यार, यस सर, यस, पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल है ना, कॉस का क्या रहेगा, कॉस एक्स रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस रहेगा, यस सर, यहाँ आ जाओ कॉट में, ऑड मल्टीपल है ना, तो कॉट का क्या बन जाएगा, टेन, टेन कौन सा क्वाड्रेंट है, ऑल साइन टेन, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्या रहेगा, प्लस, ये बताओ फिर कॉट का कॉट ही रहेगा, मल्टीपल इवन मल्टीपल है, कॉट का कॉट रहेगा, यस सर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है इससे पॉजिटिव, ठीक है। अभी साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स बाई साइन एक्स इंटू ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, क्या बन रहा है, साइन एक्स इंटू इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स साइन एक्स, यस सर, तो पहले तो कट हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन, ये क्लियर है, यस सर, कॉपी करो, इसका डाउट था ना, वो बोलते थे मैं सिखा देता उसको ट्रिग्नोमेट्री, यार मुझे लगा उसको डाउट था नहीं, मैं उसको परेशान करने के लिए पूछ रहा था, सर टेंथ हो गया आपने करवाया था, रुक जा रुक जा रुक जा, अरे मुझे लगा था मैं ट्रिग्नोमेट्री बड़ा अच्छा कराया है, मतलब पता नहीं, यस सर, आगे बोलो बेटा, करप करें बेटा इसको, हां सर, यस, चलो ठीक है, बात नहीं, नेक्स्ट बोलो, 10th करना है, नहीं सर, एनीबॉडी यू हैव टू आस्क डाउट्स, मैं आपके पीछे नहीं पढूंगा डाउट्स के, 10th करना है क्या, नो सर, सर 10th क्वेश्चन है क्या, क्योंकि मेरे बुक में वो प्रिंट नहीं आया ना, तो गूगल मार लेता, बुक मिल जाती गूगल पे, एनसीईआरटी के साइट पे मार लेता, एन प्लस वन एक्स एन प्लस टू, एक क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है वही है शायद, हाँ सर सेम क्वेश्चन, इलेवेंथ का बताओ, इलेवेंथ करना है क्या, एनीबॉडी, इलेवेंथ में माइनस टू साइन एक्स बाय टू आ रहा है, मतलब ठीक है करना है ना, ठीक है, क्या लिखा है, कॉस थ्री पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस कॉस थ्री पाई बाई फोर माइनस एक्स, तो थोड़ा दो तरीके से करते हैं, एक तो पहले ओपन करे करते हैं, तो क्या होगा बताओ, कॉस थ्री पाई बाई फोर कॉस एक्स, बोलो भाई बोलो बोलो बोलो, माइनस साइन थ्री पाई बाई फोर, माइनस बोलो कॉस थ्री पाई बाय फोर कॉस एक्स प्लस साइन थ्री पाई बाय फोर साइन एक्स, कॉस थ्री पाई बाय फोर ये तो कट गया, तो क्या आ गया, माइनस टू साइन थ्री बाय फोर माइनस टू साइन साइन एक्स, अब साइन थ्री पाई बाई फोर निकालना पड़ेगा, तो साइन थ्री पाई बाई फोर कैसे निकालेंगे सर, साइन थ्री पाई बाई फोर हमें 45 तो हाँ पाई माइनस पाई बाई फोर ना, साइन थ्री पाई बाई फोर क्या होगा, साइन पाई माइनस पाई बाई फोर, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा,
तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू वन बाय रूट टू का यस सर अरे लास्ट टाइम ने सर कौन सा बताना बेटा बोलना बेटा कौन सा स्टेप साइन थ्री पाई बाय फोर इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाय फोर तो थ्री पाई बाय फोर साइन थ्री पाई बाय फोर पाई माइनस पाई बाय फोर नहीं होता है क्या हाँ 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 वो समझा उसका वैल्यू तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है आपको शुरू में क्या सिखाया था फिर और साइन टेन कॉस से साइन आप लोग निकालते थे ना वैल्यू छोटी छोटी कर करके यस सर ये क्वाड्रेंट कौन सा है पाई बाय टू का इवन मल्टीपल है ना तो साइन का साइन रहेगा क्वाड्रेंट क्या है सेकंड क्वाड्रेंट तो प्लस रहेगा समझे सेकंड मेथड क्या हो सकता है कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दे cos c माइनस cos d लगा दे तो क्या होता है cos c माइनस cos d माइनस टू साइन टी माइनस डी थ्री पाई बाई फोर माइनस x माइनस थ्री पाई बाई फोर प्लस x बाई टू एक भी स्टेप नहीं मिस करेंगे हम लोग साइन थ्री पाई बाई फोर विल ट्राई प्लस x माइनस थ्री पावर प्लस थ्री पावर प्लस बाय बाय टू व्हाट व्हाट्स बाय टू ना थ्री पावर फोर समझा बेटा यस सर वी विल ट्राई नॉट टू मिस अ सिंगल स्टेप ये क्लियर है मेथड टू कॉपी करिए हेलो तो मेरा आवाज आ रहा है हाँ बोल तो एक बार एट वाला बता दो ना ठीक है हाँ कॉपी कर लिए हाँ सर ठीक है एट्थ वाला पूछा है आपने आ जाओ कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स बाई कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स ठीक है तो उसमें क्या दिक्कत है बताओ कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है सर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना तो नेगेटिव कॉस थीटा रुक रुक ना तेरा डाउट था क्या नहीं जिसका डाउट उसको बोलने देना हाँ बोलो जिसका डाउट था कॉस पाई प्लस एक्स क्या होगा बोलो यार कैसे पढ़ाऊंगा मैं यार उफ, इसने डाउट पूछा था यार गायब हो गया डाउट पूछ के बोलो ना यार कॉस पाई प्लस एस कितना होगा सर मैं बोल नहीं रे सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही है मेरी आवाज आ रही है क्या बाकी लोगों को हाँ सर आ रही है हाँ सर आ रही है कॉस पाई प्लस थीटा बेटा कितना होगा बताइए
भाई तू अपना माइक चेंज कर ले फिर, ईयरफोन चेंज, बाकी लोग आवाज आ रही है ना, अगर मैं समझा भी दूंगा फिर भी तुम नहीं समझोगे, फायदा क्या जब आवाज नहीं आ रही है तो। कॉस पाई प्लस एक्स कितना होगा? सर माइनस कॉस एक्स। पढ़ना ही नहीं है बच्चे को, बस फालतू बहानेबाजी है, आवाज नहीं आ रही है। कॉस हो जाएगा। हाँ कॉस पाई माइनस एस कितना होगा? एस थोड़े डॉट पूछते हैं, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? मैं लिख दूंगा कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है। तुमको आवाज आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ जिसने डॉट पूछा था? अरे मेरा अब से ना नेक्स्ट टाइम से डाउट ना, यू हैव टू टेल योर नेम देन आई विल आंसर डाउट, दिस इज नॉट गेटिंग टू नॉनसेंसिकल, इतना नहीं मजाक चलता है पढ़ाई में। सर नीचे क्वेश्चन में साइन है, साइन पाई माइनस एक्स। हाँ रुक जा यार, मैं क्या बोल, मैं दिमाग खराब हो जा रहा है तुम्हारे बैच में यार, लोग बोल के गायब हो जा रहे हैं। एक बच्चा बोला छह के बाद एक भी नहीं बना, उसके बाद से गायब है भाई साहब। अरे बोल ना भाई, डॉक्टर बोल, सॉल्व करूंगा मैं। साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा? साइन एक्स होगा। कॉस पाई, कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स क्या होगा? कॉस का क्या बन जाएगा? साइन। साइन कॉस का, कॉस का साइन बन जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड। माइनस होगा। यस सर। आ गया भाई, कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। यस सर। इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। जो पढ़ना चाहते हैं थोड़ा सीरियस हो जाइए, अब मजाक मस्ती का मूड नहीं रह गया मेरा अभी। लास्ट पेज दिखाओ ना, प्रश्न नंबर 11 वाला। ठीक है, 12th क्वेश्चन डाउट है? नो सर। अरे वो बच्चा कौन था जो सिक्स्थ के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं, मतलब कहाँ गायब है यार, बोलना भाई। अरे बेटा पूछोगे तभी तो बताऊंगा ना, क्या नाम है तेरा? विवो कहाँ पे गायब है, तू क्यों नहीं बोल रहा है फिर? अभी अपना माइक अनम्यूट नहीं करेगा, चुपचाप माइक अनम्यूट करके बैठा रहेगा, म्यूट नहीं करेगा माइक, बोलते रहेगा मेरे साथ अब, ठीक है? ट्वेल्थ, हाँ चल अब पढ़ाई करते हैं अपन। ट्वेल्थ वाला साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं आ रहा, डरने की बात नहीं है, फॉर्मूला देख के बताएंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? नहीं आते नोट्स देख के बता मेरे को। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है बता? हाँ सर एक मिनट। याद नहीं है फॉर्मूला? सर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो देख बन गया क्या क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है, 13 बता। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ सर। नहीं है कोई फॉर्मूला, नहीं होगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला नहीं होगा। नहीं है कोई फॉर्मूला है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का? नहीं सर, स्क्वायर ए का फॉर्मूला है। अरे अरे यार तुमने फॉर्मूला याद ही नहीं किया, तुमको लगा पढ़ाई मजाक चल रही है।
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला मैंने प्रूव नहीं किया है क्या? ड्राइव नहीं किया है? किया है सर, किया है सर। भाई साहब सर, बट वो सर कॉस स्क्वायर ए में होना चाहिए ना। हाँ तो यहाँ नहीं लगा पाएंगे ना। एक काम करते हैं ना, दोनों को साइन स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। वन माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर सिक्स एक्स, ठीक है विभो? तो क्या बन गया विभो बताओ? साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स, ठीक है। अभी ऊपर वाला फॉर्म में लगा दें विभो, क्या बनेगा? सिक्स एक्स माइनस टू एक्स इंटू साइन ऑफ सिक्स एक्स प्लस टू एक्स। चमका जो फॉर्मूला अवेलेबल है उसको लगाएंगे, कॉपी करो उसको 12-13 को। सर वो 12th में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का वो साइन 6x प्लस साइन 4x होगा ना। ये फॉर्मूला लिखवाया था ना ट्रिग्नोमेट्री में, भी फॉर्मूला तुम दूसरा लगा रहे हो, तुम कुछ और लगा रहे हो, तुम अलजेब्रिकल वाला आइडेंटिटी लगा रहे हो, वो भी गलत नहीं है, बट यहाँ पे सीधा इससे हो रहा है ना क्वेश्चन। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आपके नोट्स में ड्राइव्ड है ना बेटा? साइन ए माइनस, हाँ फिर वो वाला फॉर्मूला लगा रहे ना सर, पर वो भी किया तो चलेगा ना। हाँ बट उससे सॉल्व नहीं होगा ना, सॉल्व कैसे करोगे उससे? सर किया मैंने, आंसर आया। हाँ तो उसके बाद आपने कहीं आपने क्या किया बताओ? आपने उस वाले टर्म को आपने साइन सिक्स एक्स माइनस साइन फोर एक्स लिखा, ठीक है, इसके बाद क्या किया ये बताओ आप बस मुझको। सर फिर साइन सी माइनस साइन डी। हाँ चलेगा ना, चलेगा ना, चलेगा ना, चलेगा, ठीक है। रैप करें विभव, कॉपी कर लिया बेटा? हाँ सर। चल विभव 14 बता विभव, कैसे अटेम्प्ट किया तुमने? तेरे को ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है ना? हाँ सर। ठीक है तो फिर मेरी हेल्प कर बता। और वो एक्सरसाइज 14 क्या बेटा? साइन 6x। बोल कैसे करें बेटा, बोल। चल वो फॉर्मूला था ना, रुक जा रुक जा सुब, रुक जा रुक जा सुब, ठीक है ठीक है। हाँ विभव बोल बेटा कैसे करें, बोल। वो 14 से लेके 18 वाला डाउट भी विभव तुम्हारा ही था ना? हाँ सर। जो बुक का मैंने फोटो भेजा था उसमें 14 से लेके 18 डाउट तुम्हारा ही था ना? हाँ, तुमने ये जो होमवर्क है ये उस डाउट के सॉल्व होने के पहले का रखा हुआ है कि उसके बाद का है? ये नहीं सर, उसके बाद का है। चलो बताओ कैसे करें बताओ। बोलो मैं बोलूं? नहीं रुक जाओ, लगा ना फॉर्मूला, क्या दिक्कत है विभव, लगा ना फॉर्मूला। क्या तेरा जो मन कह रहा लगा तो, तेरा मन क्या कह रहा है? कुछ तो तेरा मन कह रहा होगा ना, उस दिन तूने 29 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे हैं ना, कुछ तो तेरा मन कह रहा होगा ना, बोल क्या कह रहा है मन। सर वो साइन ए प्लस साइन बी वाला आइडेंटिटी लगा लगा किस में लगाना है? बोल बोल किस में लगाओ, बोल। सर साइन 2x और साइन 6x में लगा ना, लगा ना, बोल क्या होगा? 2 साइन, तूने फॉर्मूले याद नहीं किए ना अच्छे से? नहीं सर है, 2 साइन 2x प्लस 6x द होल बाय 2 इनटू कॉस 2x माइनस 6x द होल अपॉन 2। cos माइनस थीटा कितना होता है? cos का माइनस थीटा cos थीटा होता है। cos सर साइन 2x होगा ना, 2 साइन 2x होगा, 4x बाय 2 होगा तो फिर वो 2x होगा ना। क्या बोल रहे हैं? सॉरी सर, नहीं सर गलती से बोला, सब्ट्रैक्शन तब लगा।
टू साइन फोर एक्स बाहर निकाल लिया, क्या लिखा है अभी वन प्लस कॉस टू एक्स? चलो बताओ बेटा वन प्लस कॉस टू एक्स क्या होता है? विभव साहब वन प्लस कॉस टू एक्स कितना होता है? टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो आ गया बेटा फोर कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन फोर एक्स, क्लियर है? कॉपी करो नेक्स्ट बोलो 15th वाला आ जाओ। हाँ भी हुआ बोलो 15th में cot 4x in bracket cot 4x sin 5x plus सर नहीं सर वो sin 5x वाला ब्रैकेट में cot 4x sin 5x plus sin 3x ठीक है, हैं। अब देखो लेफ्ट और राइट दोनों से साथ साथ चलना पड़ेगा बिकॉज दोनों में टर्म्स डिफरेंट हैं। तो यहां पर क्या आएगा बताओ, टू साइन सी प्लस जी लगाओ क्या आएगा? टू साइन फोर एक्स और कॉस एक्स का कॉस एक्स कॉट फोर एक्स क्या होता है? कॉस कॉस बाय साइन कॉस फोर एक्स बाय साइन फोर एक्स टू कॉस एक्स कॉस फोर एक्स, क्लियर है? यस सर। क्या होगा बोलो? टू साइन एक्स कॉस फोर एक्स साइन एक्स कट जाएगा। समझे? यस सर। यस सर। आगे बोलो। ठीक है 14th 15th हो गया, चलो 16th कॉस 9x। तुमने ट्राई नहीं किया है शायद, अच्छे ऐसा लग रहा है मुझे अभी। तुमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है विभव साहब बताओ? हाँ बोलो विभव बोल। cos c माइनस cos d लगा टू साइन नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टू साइन माइनस टू साइन नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स इंटू साइन नाइन एक्स प्लस फाइव एक्स। तुमने ऐसे ही किया था फिर भी नहीं हुआ है? नहीं सर अभी बोल रहा हूँ अभी बोल रहा हूँ। That time कैसे किए थे? नीचे बताओ टू साइन टू साइन नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स होल अपॉन टू, तो लिख दिया ना आगे बढ़ गया मैं तो वहीं पे क्या अभी सर मैं लिख रहा था वो। हाँ चलो माइनस साइन 2x sin 7x by sin 7x cos 10x, ये और एक कट गया कितना आ गया माइनस sin 2x by
10x. क्लियर है? यस सर। हाँ सर। आगे वाले भी समझ सही है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, करने में क्या आता है। बहुत लोग क्लाउड कम से कम हिम्मत करके पूछ रहा है ना, बाकी लोग तो पूछ ही नहीं, डर के मारे चुप बैठे हुए हैं। सर एक्सीडेंट पिछला वाला दिखाओ ना। कॉपी कर लिए? नहीं सर, वो लास्ट वो ये समझो कि मेरा नेटवर्क ये हो जाता है इसलिए। हाँ सर। कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। सिक्सटीन्थ वाला कॉपी हो गया? हाँ सर। हाँ सर, सेवनटीन्थ वाला भी हो गया सर। चलो अभी मैं आगे पीछे नहीं कर पाऊंगा। हाँ नेक्स्ट बोलो भाई। विभव बोलिए साहब, सेवनटीन्थ करे हो गया? सर हो गया सर, अभी अभी किया। बढ़िया। एटीन बताओ, एटीन करे? हाँ सर। एटीन तो उस दिन भी, आई थिंक उस दिन भी एटीन क्वेश्चन था। हाँ सर। मैंने बिना चलो बताओ। हाँ चलो बता विभव कैसे करें, बोल सर। साइन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू इनटू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू। तू घर पे डर गया था क्या उस दिन करते हुए? क्या हुआ था? कॉस एक्स प्लस वाई वाई सही तो बता रहा है, अप्रोच भी सही कर रहा है। हाँ बोल, नीचे बोल। कॉस सी प्लस कॉस डी बोल। 2 cos c plus d means x plus y upon 2 into cos x minus y upon 2. दोनों के दोनों कट हो जाएंगे, cos x plus y upon 2 वाले, and 2 2 कट हो जाएगा, बाद में वो sin by cos tan हो जाएगा। Yes sir। चल next बोल। sin x divide by cos x plus cos 3x is equal to tan 2x। हाँ बोलो विभव, कर लोगे? बताओ, लगाओ बेटा। 2 sin x plus 3x, 2 sin x plus 3x by 2 into cos x minus 3x the whole upon 2. Yes. Divide by 2 cos 2 cos x plus 3x by 2 cos x minus 3x by 2.
कैंसिल हो गया यस सर, टू टू भी गया यस सर, हो गया ना? हाँ सर हो गया। कॉपी करो। तुम घर पे कैसे बना रहे थे फिर? नहीं बन रहे, कैसे कैसे नहीं बन रहा तुमसे? रब करें? यस सर। चलो बताओ नेक्स्ट, बताओ 20 वीवो कैसे करें बताओ। साइन एक्स माइनस साइन टी एक्स डिवाइड बाय साइन, नहीं नहीं इसको इसको बताने दे। हाँ बोल वीवो। टू साइन एक्स एक्स माइनस थ्री एक्स द होल अपॉन टू इनटू कॉस x plus 3x the whole upon 2. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है ना? हाँ सर। क्या चीज, अगर इसको ऐसा लिख दें तो क्या दिख रहा है सर? वन सॉरी cos 2x हो गया ना, ये ऊपर में क्या लिखा हुआ है? 2 sin। तुमको मेनली तुमको फॉर्मूले याद नहीं है, दिक्कत यही है। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a कितना होता है? 2 cos² - 1। अरे भाई cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a cos 2a होता है ना? हाँ सर। अरे यार cos स्क्वायर डब्बा माइनस sin स्क्वायर डब्बा इज इक्वल टू cos 2a होता है, नहीं याद है फॉर्मूला विवाह तुमको? यही कारण है क्वेश्चन नहीं बनने का। एक महीने पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दिए थे कि फॉर्मूले याद करो, कैसे होगा 2 sin x। इतना क्लियर है विभव? कॉपी करो। कॉपी कर लिए? एक मिनट। सर आपने कल फिजिक्स का होमवर्क नहीं दिया था? हाँ डिफरेंशिएशन दिया था प्रूफ करने के, फॉर्मूला दिया था उसमें प्रूफ करना। ठीक है एक काम करो ना, सुनो तो फिलहाल कॉपी कर रहे ना। हाँ ठीक है कर लिए क्या? हाँ सर। ठीक है शुभ, तब एक काम करना शुभ, वो लिंक जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ आए क्वेश्चंस, वो जो लिंक पे है ना? हाँ सर। हाँ लिंक पे देखना, स्टेट बोर्ड की बुक है ना 11th वाली। यस सर। हाँ सर उसमें देखना डिफरेंशिएशन वाले, छोड़ दो मैं देख लूंगा। हाँ सर मेरे पास स्टेट बोर्ड की बुक है, छोड़ दो मैं भी देख लेता हूँ, पढ़ा लेते हैं फिर देखते हैं। चलो मैं भी साथ साथ देख ले रहा हूँ ना, उसी में से देना था, मैं भूल गया देना। सर कौन सा पेज नंबर? रुक ना दो मिनट, बताता है मैं, बताता है मैं। ओके ओके सर। ये अपना वो 12th क्लास 12th क्लास 12th क्लास 11th का पार्ट टू में, क्लास 11th के पार्ट टू में, क्लास 11th के पार्ट टू में तुमने जो करना है दैट इज लास्ट पार्ट है सर। उधर उधर 9.2 9.2 में एक इशू है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे चेन रूल टाइप से इसमें बता दिया गया पहले चेन रूल इसमें लॉग वाले भी तो क्या उसको अंतर थोड़ा पड़ता है, लॉग हो चाहे लॉग नहीं हो। आई डोंट थिंक दिक्कत आनी चाहिए। √5√x(5x) हाँ आई डोंट थिंक, चेन रूल बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया ना, नहीं बताया, चलेगा। 9.2
9.2 का रोमन वन, रोमन टू है जी, रोमन थ्री। ज्यादा टफ नहीं करते हैं, पहले ना आप रोमन वन, रोमन टू, रोमन थ्री और रोमन फोर, ये चार करो। हाँ, रोमन वन, रोमन टू, रोमन थ्री, रोमन फोर। क्या बेटा बुक है, कौन सा बुक है? स्टेट बोर्ड की बुक है, आपके गूगल लिंक पे अवेलेबल है, ठीक है। स्टेट बोर्ड की पार्ट 11th की पार्ट 2, 9.2। ओके सर, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग 21st कर रहे थे। हाँ भाई बताओ, ये तो उस दिन 3-4 क्वेश्चन किए थे विभव, मुझे लगता है तुम घर पे शायद ढंग से किए नहीं है, तुमको करने का मन नहीं था, ऐसे तुम मुझसे सॉल्व करवा रहे हो, ऐसा है क्या? चल बता फिर, यहाँ पे कैसे करेगा तू? सर ग्रुपिंग में करके अगर cos 4x और cos 2x को और sin 4x और sin 2x के साथ करेंगे। भाई तू सब कुछ सही बता रहा है, तूने जब घर पे सॉल्व किया था तूने ग्रुपिंग नहीं की थी? उसको शायद सब फॉर्मूला नहीं बना होगा, मतलब कौन सा लगाना है। नहीं नहीं लग नहीं रहा उसके, वो तो कॉन्फिडेंटली सब कुछ बता रहा है मुझे। चल ठीक है, इसके बाद बता फिर क्या करूं मैं। cos c plus cos d लगाएं बेटा? हाँ सर वही लगा। तो लगाओ ना, 2 cos 4x plus 2x का होल बाय 2, 3x आ जाएगा ना बेटा, 3x plus, हाँ 3x plus cos x cos, नीचे बता, 2 sin 3x into sin x cos x cos x, हाँ cos x plus cos sin 3 common out। तो बाहर क्या आया रे? cos 3x। नीचे क्या बचा? 2 cos x plus 1। नीचे क्या आया? sin 3x sin 3 2 cos x cos x plus 1। क्या आ गया? cos 3x। ये क्लियर है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर, वो 9.2 का फोटो भेजना है क्या? नहीं। ओके सर। हाँ नेक्स्ट बोलो। हाँ हो गया भाई, चलो आगे। हाँ सर। चलो ठीक है, कॉपी कर ले अभी को। हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट बोलो। ये साइकिल आ गया? नहीं आया साइकिल अभी भी, मैं तो बोला उसको गेवर लेने को। बोला ये फोन पे बोला तो मैंने मुझसे समझ लिया था। 2000 का एक पड़े थे माइनस कॉट 2x कॉट 3x। अब भाई ये क्वेश्चन तो बहुत लोग का नहीं बना होगा, क्या कहते हो? सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? ये तो क्वेश्चन बहुत लोग का नहीं बना होगा ना दोस्त, नहीं सबका बन गया है क्या ये क्वेश्चन? यस सब बन गया, नहीं बना पहले बार। देखो भाई मैं तो कॉट को ना जिंदगी में पसंद नहीं करता हूँ, मैं कॉट को ऑलवेज कन्वर्ट टू टैन,
मैं कॉट को ऑलवेज कन्वर्ट टू ठीक है, इसको वन प्रूव करना है ठीक है। अभी एलसीएम ले लो दोस्त, क्या आएगा बताओ? टेन थ्री एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टेन टू एक्स सॉरी माइनस हाँ माइनस टेन टू एक्स टेन एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन थ्री एक्स दैट मीन्स मुझे क्या प्रूव करना है? टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स, ये मुझे प्रूव करना है राइट right? है ना। मैं क्या करूंगा आप ध्यान दो, थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स लिखा, अभी दोनों साइड टेन ले लिया मैं, तो क्या कर बैठा मैं, टेन एक्स प्लस टेन टू एक्स बाई वन माइनस टेन एक्स इंटू बोलो भाई चमकता है? यस सर। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? टेन थ्री एक्स माइनस टेन एक्स टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स, बोलो बेटा क्लियर है? यस सर। लास्ट स्टेप क्या होगा बताओ? उसको राइट से अरे आप लोग सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं करते हो मेरा यार, आप लोग अब दो महीने हो गया पढ़ा, तो अब तो आप लोग समझ में आ ही होगा ना मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मुझे क्या चाहिए। यस ये क्लियर है? यस सर। ठीक है कॉपी करिए। सर एक बार वो कॉट को ले कॉट को कॉट ये लेके करके दिखाना, क्योंकि मैंने कॉट लिया तो रॉन्ग आ कॉट में मैं करता ही नहीं, कॉट में मैं कभी नहीं करता हूं, आई डोंट नो कॉट, आई डोंट यूज कॉट, आई नेवर हैव अप्लाइड कॉट, मैं कॉट कभी यूज नहीं करता हूं, मैं करूंगा बेकार लगता है मुझे कॉट। कॉपी करो सर, अगर कॉट लेके करेंगे तो दो स्टेप में हो जाएगा, हो जाता है, मुझे कॉट आता ही नहीं है। सर वो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? मुझे आता ही नहीं है, कभी जरूरत नहीं पड़ती, करनी पड़ेगी मैं टैन से कर लूंगा, टैन ए प्लस बी लिखूंगा उसको उल्टा कर दूंगा ठीक है। कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर। ट्वेंटी थ्री वाला टेन फोर एक्स को प्रूव करना है, मतलब टेन फोर एक्स को क्या प्रूव करना है बताओ? फोर टेन एक्स माइनस 4 tan cube x by 1 minus 6 tan square x plus tan cube x plus tan x है ना, कैसे करेंगे ब्रेक डाउन? सर पिछला वाला दिखा ना, मैं गलती से मिसिंग चीज फॉर्मूला लगा,
यस सर हो गया। हो गया यस सर। अरे क्या होगा पहले क्या करेंगे बोलो ब्रेक कर ध्यान आया हाँ सर यस सर। क्या होता है फॉर्मूला इसका 210 डब्बा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर टू। अब 10 2s को फिर से ब्रेक करेंगे क्या होगा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। टू टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इसके आगे कर लेंगे आप करके दिखाऊं मैं इसके आगे भी हो जाएगा बोलो भाई इसके आगे करें कर लोगे इसके आगे हो जाएगा सर। एक भी स्टेप मत मिस करो लिखते रहो बन जाता है क्लियर है yes, तुमको, yes, तुमको मेनली लॉजिक फॉलो हुआ लॉजिक क्या था यस सर एन फोर एक्स टेन टू एक्स के फॉर्म में क्या हुआ नहीं लॉजिक कॉस फोर एक्स बोलो क्या करें ब्रेक करें yes, कैसे ब्रेक होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू एक्स टू एक्स और साइन टू एक्स क्या होता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया यस सर समझे क्या कॉपी करो सर एक दिन पिछला वाला दिखाना सर ये नहीं समझा 23rd बढ़िया कौन बोल रहे हो नाम बताओ सर मंथन मंथन बताओ मंथन कहाँ दिक्कत आ रही है सर वो सेकंड स्टेप इस फॉर्मूले में हाँ सर फॉर्मूला आपको पढ़ाया नहीं था मैंने टेन टू डब्बा जो होता है वो फॉर्मूला नहीं डाला सर समझ गया मैंने रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से पहले फॉर्मूला याद करो अच्छे से हाँ हो गया हाँ अच्छा
25 अभी फील आती है 25 की, कैसे करोगे? यस ये वाले यस क्या करना है हम लोग को इसको फाइनली cos x में ब्रेक करना है राइट ओके कैसे करेंगे बताओ कैसे स्टार्ट करें बोलो सर बहुत सारे तरीके हैं ना इसकी फील आती है यस सर क्योंकि हमें सब कुछ cos में चाहिए ना हाँ यस और cos 3x क्या होता है 4 cos cos cube minus cos 3 cos ऐसे भी कर सकते हैं ना या कैसे कर सकते हैं पहले इसको पहले क्यूब करके मतलब 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x चमका यस और अब क्या कर सकते हैं 2 cos x माइनस 1 का अरे यार लग ही नहीं रहा आप लोगों को पढ़ने का मन कर रहा है अच्छे से cos square x minus 1 अरे बोलो भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई हाँ या ना कुछ तो बोलो हाँ सर प्लीज बोलो यार क्लियर है यस सर यस सर मुझे भरोसा नहीं हो रहा तुम लोगों पे क्लियर है कि नहीं क्लियर है क्लियर है सर विभव क्लियर है कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को हाँ सर यस सर ये क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करिए ओके सॉल्व करिए हुआ क्या हेलो अरे अच्छा कैसे करो कैसे अप्रोच करो ये तो बताओ क्या हो गया नेट चलाएगा हेलो कैसे अप्रोच करोगे हाँ कर लो मैं तो अप्रोच पूछ रहा हूँ आप लोगों से मैं तो अप्रोच पूछ रहा हूँ कैसे अप्रोच करो मेरा आंसर सुन चाहिए अप्रोच बताओ कैसे किया अप्रोच अच्छा किसी ने अप्रोच किया भी क्या बैठे हुए तो बता दो कम से कम
तो समझ नहीं रहे हो यार। वो थीटा बाय थी वाला उसको पहले सॉल्व कर लिए। क्या 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 सर? वो थीटा बाय थी है ना, ये सॉरी पाई बाय थी, तो उसको सॉल्व करना। तो तुम पहले कॉस ए प्लस बी लगा दिए। हाँ तो तुम क्या किए अभी, तो पूछ रहा हूँ ना पहला। अरे भाई पहला स्टेप क्या लिखे बताओ ना मुझे सीधा। आप लोग नहीं यार वो तो समझो, वो सी प्लस डी वाला फॉर्मूला लगा के करना है। कैसे करोगे सी प्लस डी? कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना सर, वो पहले कॉमन लेने का फिर। कैसे कॉमन, कैसे कॉमन लोगे बताओ? सर वो कॉस स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे? कॉस स्क्वायर कॉमन ले लोगे? अरे कॉस स्क्वायर जो तुम ये बोल रहे हो कि साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 90 में से मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लूं? नहीं सर। हाँ बोलो। उसको ए पकड़ लेंगे। किसको ये पकड़ लूं मैं? नहीं नहीं सर नहीं। बोलो भाई क्लास में कोई बच्ची नहीं है क्या? अच्छा क्या हुआ सर? कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके। कॉस ए प्लस बी निकालें उसका स्क्वायर करें। यस सर। गलत नहीं है, सही है, लंबा है बट सही है। करो तुम्हारा मेथड सही है, करो। यू शुड गेट योर आंसर बाय योर मेथड। बताओ बाकी लोग, बोलो और क्या और बताओ। वो cos 2x का फॉर्मूला होता है, वो लगा के कर सकते हैं। बढ़िया। cos square को क्या लिख सकते हैं हम लोग? वन प्लस। तुम लोग का बैच शुरू के 10-15 दिन में काफी बोलता था, उसके बाद धीरे 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 चुप्पी हो गई। यहाँ पे कॉस स्क्वायर में क्या ले सकते हैं बताओ? वन प्लस कॉस। कम ऑन यार बोलो भाई। कॉस स्क्वायर एक्स को अपन ऐसा लिख सकते हैं, कॉस टू एक्स प्लस वन बाई टू। तो यहाँ भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ क्या हुआ, समझे नहीं समझे? समझा सर। अभी क्या लिखा है बताओ? 3/2 प्लस 1/2 के साथ cos 2x, cos 2x प्लस 2π/3। हेलो। यस सर। प्लस cos 2x माइनस 2π/3। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब बताओ इन दोनों में हम लोग क्या आ जाएगा सीधा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी है ना, क्या आएगा? टू कॉस ए कॉस बी आएगा ना सीधा? टू कॉस ए कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है? टू कॉस ए कॉस बी होता है ना यार। यस सर। आप लोग को बहुत ज्यादा आवश्यकता है फॉर्मूलेस को और याद करने की। कॉस 2π/3 कितना होगा? बोलो क्या होगा? आपको लिखना नहीं आता है ऑल साइन टेन कॉस से? शुरू में क्या सिखाया था मैंने फिर आप लोगों को? कॉस क्या लिख सकते हो? पाई माइनस 2π/3 क्या होगा? पाई माइनस पाई बाई थ्री ना। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। ओके यस सर।
तो माइनस कॉस पाई बाय थ्री कितनी वैल्यू आ गई, माइनस वन बाई टू। अरे समझा गया, टू टू कट गया ना, यस सर। तो ये और एक कट गया, कितनी वैल्यू आ गई, थ्री बाई टू। ये बात चमकती है, यस सर, यस सर। चैप्टर थ्री के मिसलेनियस का वन से लेके सेवन, चैप्टर थ्री के मिसलेनियस का वन से लेके सेवन, ओके सर। और जो आप लोग को स्टार्टिंग में टेबल बनाया था याद है, हाँ सर, उसमें बहुत बार ऐसे एंगल्स आते थे याद है, हाँ सर। इन सबका वैल्यू लिखना सीखो डायरेक्ट फास्ट। कॉस 5 पाई बाय 4 क्या होगा, वर्क विथ मी, वर्क विथ मी। कॉस 5 पाई बाय 4 क्या होगा बोलो, कॉस 5 प्लस पाई बाय 4 व्हिच विल बी कॉस थीटा माइनस 1 बाय रूट 2। ये बात समझ में आती है, दिस विल बी माइनस कॉस पाई बाय 4। तो जो आपको जो टेबल बना के दिया था ना मैंने साइन कॉस टेन वाला, जो उन सारे एंगल्स को ऑल साइन टेन कॉस रूल से करके फटाफट देखो, तब फील आएगी आपको, अदरवाइज आप नहीं कर सीख पाओगे ट्रिग्नोमेट्री। ओके सर। कॉस 5 पाई बाय 3 बताओ कितना होगा, कॉस 5 प्लस 1 बाय 2 बाय 2। जैसे ब्रेक करना है ब्रेक करो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, किसको दिखता है ऐसा तो वैसा कर लो। मेरे को ये दिखा 2 पाई माइनस पाई बाय 3 दिखा मेरे को, तो cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होएगा, cos पाई बाय 3 cos पाई बाय, चमकता है। yes, तो आपके पास जो टेबल था ना टेबल, उस टेबल के सारे एंगल को ऑल sin 10 cos से खेल खेल के देख लो। अब ऐसा नहीं है कि यही, तो इसको ऐसे भी सोच सकते थे ना, कैसे पाई प्लस 2 पाई बाय 3 तो भी सही है ना, क्या होता है पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cos थीटा माइनस cos 2 पाई बाय 3, तो हाफ हो गया ना वापस से। ये बात चमक रही है, उस टेबल को वैसे करके देखो, देन ओनली यू विल हैव अ फील फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ओके सर। अरे ये बात चमकती है क्या सर, चैप्टर थ्री का 1 से 7 तक है ना, हाँ मिसलेनियस का। ओके सर। और जो सॉल्व क्वेश्चन है एक बार देख लो उसमें, ठीक है, हाँ सर मैंने कराया था वैसे, आप देखो ठीक है। ओके सर।